রাজবন ছিল বৈষ্ণববৃন্দ এবং সমস্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীবৃন্দ হরিকথা বাসু শত্রুবৃন্দ শ্রেমী জননী মাতৃবৃন্দ সত্য জননী মেলা যথাযথ দণ্ডবধ নমস্কার ছিল করুণাঙ্গি করুণালয় ছিল মহারাজী মুঝে আদেশ দিয়ে দু শব্দকে দ্বারা আপনি বাণী কু শুদ্ধি করি अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं धाम की महिमा और विशेष करके धाम परिक्रमा की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गहुरा मान जैसा स्थानीय करुण रंगी शेषव स्थान हीरो कामी रणी भगत संगे भक्ति विनोद ठाकुर इस कीर्तन में वर्णन करते हैं सचिनंदन गुरु धुनी जहाँ जहाँ पर उन्होंने पदार्पण की अपने अपने लीला प्रकाश किए वही राधा भाव सुगोरित सचिनंदन गुरु धुनी के धाम और वही राधा गोविंद की धाम हम लोग परिक्रमा करेंगे वैष्णव अनुगत होंगे वैष्णव अनुगत के बिना जो धाम परिक्रमा उसमें वही कुछ लाभ नहीं होता है। धाम परिक्रमा के तात्पर्य कौन करता है? कुछ दिन पहले हम लोग कुछ लोग मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में तीन प्रकार के लोग धाम परिक्रमा करते हैं। एक तो केवल अकेला अपना धाम परिक्रमा करते हैं चलते रहते हैं, उसमें वही कुछ लाभ नहीं होता है, केवल सुकृति बनता है। और एक भक्त धाम परिक्रमा करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, उस धाम की महिमा कीर्तन करते हैं और गुरु विष्णु के मुखारविंद से और समस्त दर्शन करते हैं। और तीसरी व्यक्ति जो होते हैं वो गुरु विष्णु के साथ में चलते हैं और भाव में विभोर होकर के वो समस्त स्थान को दर्शन करते हैं, धाम की महिमा श्रवण करते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन करते हैं, प्रथमासी जवन सुनो मोर कथा देखो श्री राधा नाथे। भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार धाम महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ब्रजवासी जन आप लोग ब्रज में धाम में रहते हैं, आप लोग राधा गोविंद के स्थान के जानते हैं, इसलिए आप लोग हमें कृपा करें और वो स्थान की महिमा वर्णन करें। इसी प्रकार हम लोग आज एकत्रित हुए हैं किसके केवल मात्र श्री गुरुदेव की अनुगत में उस धाम महिमा की कथा श्रवण करने के लिए, वह धाम की क्षण एक कर्ण की कृपा प्राप्ति करने के लिए। विशेष करके श्री सनातन गोस्वामी पाद भागवतानंद ग्रंथ में यह वर्णन किया, नारद जी स्वयं भगवान से यह वर प्राप्त किया था। स्वयं भगवान बोले, हे नारद जी इस लीलास्थली में कोई भी जाएंगे वैष्णव अनुगत में उस लीलास्थली के ध्वनि बनाकर स्पर्श करेंगे और पुलिस ध्वनि उस स्थान पर जाकर के यदि कोई प्रेमी भक्त के साथ और वही धाम की महिमा श्रवण करेंगे उनके हृदय में पति अवश्य ही वो प्रेम इसमें कोई संदेह नहीं। इस विश्वास लेकर के गुरुदेव के वचन विश्वास लेकर के हम लोग आज गुरुदेव के अनुगत में धाम परिक्रमा कर रहे हैं। यही हम लोग की आशा है जन्म जन्मांतर में वह भाव हमारे हृदय में उदित हो। यही हम मैं गुरु जी के चरण में प्रार्थना कर रहा हूँ। वंशा श्री कृष्ण जय।